हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके बात नहीं करेंगे, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके बात कर रहे हैं जहाँ पे कुछ अपडेट मार्केट पे आया है एंड उसी के बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर मैं समराइज करके आप लोगों के पास पहुँचा दूँ। ये कोई टेक न्यूज़ वगैरह नहीं है, बस नॉर्मल सा एक वीडियो है जहाँ पे अगर मैं फर्स्ट अपडेट का वगैरह का बात करूँ या रिपोर्ट न्यूज़ या जो भी आप बोलो, वो है कि ओप्पो की तरफ से एक नया 5G फ़ोन के बारे में बात चल रहा है जो बहुत जल्द मार्केट पे आएगा, वो है ओप्पो K7X। ओप्पो K7X के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 6.5 इंच का स्क्रीन, 405 PPI, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, 5000 mAh बैटरी, MediaTek Dimensity 725G प्रोसेसर विथ Android 10 सपोर्ट, 3.5mm जैक, USB टाइप सी पोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये जो फ़ोन है 16,500 प्राइस रेंज पे, ये जो फ़ोन मार्केट पे आने वाला है, ये एक सही चॉइस बन सकता है अगर आप 5G फ़ोन वगैरह का सोच रहे हो तो। अब ये देखना बाकी है कि कब तक ये फ़ोन मार्केट पे लॉन्च होता है और कब हम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं। उसके साथ दोस्तों अगर हम दूसरे अपडेट का बात करें तो यहाँ पे जो Realme है उसके तरफ से एक नया वॉच को लेके आया है जिसका नाम है Realme Watch S। एक सर्कुलर डायल के साथ आता है जहाँ पे 1.3 इंच का एक सर्कुलर डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ऑटो ब्राइटनेस जो है उसका फैसिलिटी भी दिया गया है। 2.5D ग्लास आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। 600 nits का पिक ब्राइटनेस जाता है, तो मतलब आप बाहर में जाओगे धूप वगैरह पे तो आपको ब्राइटनेस को लेके या उसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इवन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिल रहा है। ऑल टाइम आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सिस्टम मिल रहा है। SpO2 जो है मतलब ब्लड ऑक्सीजन जो लेवल है उसको मेजर करने का जो है ऑप्शन आप लोगों को इधर देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो एक प्रोडक्ट है, ये जो वॉच एस है Realme की तरफ से, ये एक सही चॉइस बन सकता है अगर आप एक स्मार्ट वॉच वगैरह खरीदने का सोच रहे हो। एंड अगर हम प्राइस का बात करते हैं इसका, तो 7000 के आसपास इसका प्राइस है Realme वॉच एस का। तो मेरे हिसाब से जो भी दिया जा रहा है, जिस भी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से सही है। तो अगर आप स्मार्ट वॉच लेने का सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा, आप लोग जाके इस Realme का स्मार्ट वॉच को ले सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ना एक बैंड ना एक स्मार्ट वॉच, दोनों के बीच में एक प्रोडक्ट को रखा गया है जो है Honor Band 6। तो Honor Band 6 को भी लॉन्च कर दिया गया है जहां पे दोस्तों ये जो Honor Band 6 है इसके अंदर 1.47 इंच का आप लोगों को डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद 2.5D कर्व ग्लास। इसको छोड़ के दोस्तों यहाँ पे 100 डायल फेसेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। Honor Band 6 के अंदर आप लोगों को 14 डेज का बैटरी बैकअप मिलता है। इवन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 10 डेज का हैवी यूज़ के साथ जो है कंपनी प्रोवाइड करेगा। आप हैवी यूज़ भी करोगे तब भी आप लोगों को 10 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 180 mAh का बैटरी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। आप पानी के अंदर 50 मीटर तक जा सकते हो। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें 24 आवर्स का हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम आप लोगों को इसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के पास साइकिल ट्रैकिंग या ओवल्यूशन ट्रैकिंग, बहुत सारे तरह तरह का स्पोर्ट्स मोड है, 10 स्पोर्ट्स मोड्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो Honor Band 6 है ये एक सही चॉइस बन सकता है अगर आप एक बजट के अंदर बैंड या स्मार्ट वॉच टाइप का कुछ मतलब ढूंढ रहे हो। तो एक रेक्टेंगुलर शेप पे आता है, तो काफ़ी अलग टाइप का शेप पे साथ भी है, ऑब्वियसली मार्केट पे लॉन्च हो रहा है। तो ये जो Honor Band 6 है 2800 रुपया पे मार्केट पे आएगा, मिल रहा है ऑब्वियसली, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 वगैरह का, तो यहाँ पे आप लोगों को 6.2 इंच का स्क्रीन देखने को मिल जाता है, उसके साथ 12GB रैम देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 3880mAh का बैटरी, ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है एक्जिनॉस का। तो मेरे हिसाब से ये जो फ़ोन है ये ऑब्वियसली एक लीक स्पेसिफिकेशन है, कंफर्म स्पेसिफिकेशन ये नहीं है। बट फिर भी अगर हम बात करते हैं इसके ये सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो एक जगह पर मेरे को थोड़ा कमी लगा जहाँ पे S21 जो इसका जो स्क्रीन साइज है वो मेरे को काफ़ी छोटा लगा, जहाँ पे 6.2 इंच का स्क्रीन। तो मेरे हिसाब से अगर 6.5 देता तो ठीक था। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ द बैटरी, 3880mAh का बैटरी अभी के टाइम पे सही नहीं है, बेस्ड ऑन दिस लीक स्पेसिफिकेशन सही नहीं है। इसको एटलीस्ट अगर 4500 के ऊपर रखता तो सही है, बिकॉज प्राइस जो है वो काफ़ी हाई बताया जा रहा है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 74000 के ऊपर जा रहा है। तो 74000 से इतना कम मतलब चीज़ एक्सपेक्ट करना मेरा हम लोगों के मतलब नहीं होता हम लोगों से। तो मेरे हिसाब से इसको जो है
और अगर थोड़ा चेंज करता और अगर थोड़ा इसको बैटरी को एक्सपेंड करता, मतलब 4500 mAh के ऊपर अगर बैटरी देता तो सही होता। अब खैर देखते हैं कि फाइनल जो है वो स्पेसिफिकेशन क्या आती है। तो खैर लीक स्पेसिफिकेशन है, अब देखना बाकी है कि फाइनल क्या आता है। एंड दोस्तों अगर हम फाइनली बात करते हैं लास्ट अपडेट के बारे में या जो न्यूज़ वगैरह आप जो भी बोलोगे कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 FE जो है वो मार्केट पर आने वाला है। हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि S20 FE आया था, जहाँ पे मतलब काफ़ी सही प्राइस के अंदर एक सही फीचर्स के साथ फ़ोन को लॉन्च किया गया था। एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोट 20 जो है वो भी सही प्राइस से ही इंडियन मार्केट पे लॉन्च करेगा। एंड ऑब्वियसली थोड़ा लाइट वर्जन होगा, थोड़ा कम प्राइस पे आएगा। जो स्पेसिफिकेशन है मेरे हिसाब से उसको शायद थोड़ा इंटैक्ट रखा जाएगा, उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। पर जो प्राइस है उसको थोड़ा बहुत डिक्रीज किया जा सकता है एज इट्स अ FE एडिशन, मतलब फैन एडिशन। तो अब देखना है बाकी है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, अब क्या चेंजेस लाता है सैमसंग अपने एंड से। तो बस दोस्तों आज की वीडियो पे इसी पांचों चीज़ के बारे में बात करना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। ये बस मैंने ऐसे ही बना दिया क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ एक साथ आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के पास एक बार में पहुंचा देता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।